हम लोगों ने 27 का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने स्टडी कर ली थी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई की, हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एक तो फर्स्ट तो टॉपिक रहेगा आई ग्लैंड्स, कि आई के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और उन ग्लैंड्स का क्या फंक्शंस होता है। तो आई ग्लैंड्स के अंदर अपन स्टडी करेंगे थ्री ग्लैंड्स की, ठीक है। तो फर्स्ट जो ग्लैंड्स हम लेने जा रहे हैं उस ग्लैंड्स का क्या नाम है, मीबोबियन ग्लैंड्स। क्या नाम रहेगा, मीबोबियन ग्लैंड्स की अपन आज स्टडी करेंगे, मियन ग्लैंड। अब कैसे कैसे स्टडी करनी है आपको बता दूं, जैसे मीबोबियन ग्लैंड्स के बारे में आप सबसे पहले तो अपन ये बताएंगे कि ये ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है। तो मीबोबियन जो ग्लैंड होगी ये कहाँ सिचुएटेड होती है, ये ग्लैंड जो आई लिड्स की मार्जिन पे सिचुएटेड होती है। तो सिचुएटेड मार्जिन्स यानी किनारे, मार्जिन्स ऑफ आई लिड्स, जो पलक होती है ना, पलक के किनारों के पास में क्या पाई जाती है, मीबोबियन ग्लैंड पाई जाती है। ये जो ग्लैंड्स होती है ये ऑयली सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से जो आईलिड्स होते हैं ये कैसे बनी रहती है, लुब्रिकेंट्स बनी रहती है। अब आईलिड जब लुब्रिकेंट्स होगी तो अपन जो बोलते हैं ना पलक को अपन ऊपर उठाते हैं नीचे करते हैं, यानी बल्किंग, बल्किंग ऑफ आई के अंदर ये क्या होते हैं, इजी से होते हैं, यानी अपन अपनी आंखें इजी से झपझपा सकते हैं, आंखों को ऊपर नीचे मूवमेंट करने के अंदर इजी रहता है। साथ ही साथ के अंदर जो मीबोबियन जो ग्लैंड होती है ये जो कॉर्नियो होता है कॉर्नियो को स्मूथ बनाती है, कॉर्नियो को भी क्या बनाती है, स्मूथ बनाने का काम किसका होता है, मीबोबियन ग्लैंड का होता है। तो मीबोबियन जो ग्लैंड होती है मार्जिन ऑफ आईलिड्स पे प्रेजेंट है, आईलिड्स को लुब्रिकेंट बनाती है, जिससे अपन आईलिड्स को उठाने व गिराने के अंदर इजीली से अपन उसको ऊपर भी उठा सकते हैं नीचे भी गिरा सकते हैं, यानी कि बल्किंग करवा सकते हैं। और फिर उस तो ये तो बात किसकी होगी, मीबोबियन ग्लैंड की। सेकेंड जो ग्लैंड दे रखी है वो कौन सी है, मोल ग्लैंड। कौन सी हो जाएगी, मोल ग्लैंड हो जाएगी। जो मोल जो ग्लैंड होती है उसी को क्या बोला जाता है, सीलियरी ग्लैंड भी बोला जाता है, सीलियरी ग्लैंड भी किसको बोलते हैं, मोल ग्लैंड को। अब ये सीलियरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है अपन ये देखते हैं, तो दी जा रहा सो मोल ग्लैंड है, मोडिफाइड टू स्वेट ग्लैंड और ओपन द कॉर्नर ऑफ आईलिड्स नियर द आईलेसेस। कहा है ये, आई लेसेस, नियर द आई लेसेस। कहाँ खुलती है ये जो पलक के किनारे यानी कि कॉर्नर ऑफ आईलिड्स, और फॉलिकल्स, किसके फॉलिकल्स में, जो बरोनियो जिसको बोलते हैं आई लेसेस के फॉलिकल में खुलती है। कहाँ खुलेगी, कहाँ प्रेजेंट होती है ये, आई लिड्स के कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है, आई लेसेस की फोलिकल के अंदर खुलती है ये। तो ओपन द फोलिकल्स ऑफ द आई लेसेस सेकेंड वाली होगी। थर्ड वाली कौन सी होती है, ये टीयर ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड जिसको लैक्रिमियल ग्लैंड भी बोला जाता है। टीयर ग्लैंड का एक नाम क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड, इसको लैक्रिमल ग्लैंड भी बोला जाता है। कहाँ सिचुएटेड होती है ये, तो कहाँ होगी, बिलो द आउटर कॉर्नर ऑफ द अपर आई लिड्स, ऊपर वाली जो पलक होती है उस ऊपर वाली पलक के किनारों के पास में होती है। कितनी होती है जो टीयर ग्लैंड होती है, वो थ्री टीयर ग्लैंड होती है, जो ऊपर वाली पलक या फिर जो आई लिड्स होती है ऊपर वाली उसके पास में सिचुएटेड होती है। ये साल्टी सबस्टेंस सिक्रेट करती है जिसको क्या बोलते हैं, टीयर बोलते हैं। ये जो टीयर होगा ये कॉर्नियो को स्मूथ बनाने के साथ साथ में
जो अपनी आई को क्या करता है, क्लियर भी करता है, आई की सफाई भी करता है। तो फर्स्ट तो होगी मीबोबियन ग्लैंड्स जो आईलिड्स के मार्जिन के पास में प्रेजेंट है। सेकेंड होगी सीलियरी ग्लैंड्स जो कॉर्नर ऑफ आईलिड्स के पास में प्रेजेंट है। और टीयर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, टीयर ग्लैंड जो अपर वाली आईलिड्स के पास में प्रेजेंट होती है। तो ये टॉपिक किसका था, आई आई के जो ग्लैंड्स है उनका टॉपिक था, मीबोबियन, मोल ग्लैंड और टीयर ग्लैंड। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा कि आई फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। तो आई के जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ आई या वर्किंग ऑफ आई, मैकेनिज्म ऑफ आई या फिर वर्किंग ऑफ आई। वर्किंग ऑफ आई को देखने के लिए देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। अब आप आराम से देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, आई की जब भी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो लाइट का क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या है कि लाइट कैसे आती है। तो देखिए जैसे कोई भी लाइट होगी, वो जो सनलाइट है, यानी ये लाइट आ गई, लाइट की फॉलिंग कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट पे होती है। जैसे ही लाइट की फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे होती है तो ये लाइट ऑब्जेक्ट से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट यहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। ये लीजिए लाइट क्या हो गई, ध्यान में रखिए, हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा कि आई के अंदर कोई भी लाइट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉल ऑन, यानी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके फॉल ऑन कॉर्निया, कहाँ गिर जाएगी लाइट, फॉल ऑन कॉर्नियो पे गिरेगी। अब जो कॉर्नियो के जो थ्रू जो लाइट की पासिंग होगी, लाइट जो कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में ये किस में एंटर करती है, आई के अंदर एंटर करती है। आई से ये कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन, कॉर्नियो, कॉर्नियो टू एक्वस ह्यूमर, लेंस और वेंट्रिकल्स ह्यूमर्स तक चली जाती है। लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट्स, लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट देन रिफ्लेक्ट, एंटर इन द आई, एंटर इन द आई, पास थ्रू द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया टू, यानी कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन मान सकते हो आप पहले, कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन, क्योंकि कॉर्निया से पहले कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन होती है। तो कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन पास टू द कॉर्निया, कॉर्निया टू एक्वस ह्यूमर, फिर ट्रांसमिट एक्वस ह्यूमर टू प्यूपिल, यानी आयरिस, आयरिस टू प्यूपिल, देन द प्यूपिल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी, स्मॉल साइज एंड द लार्ज साइज, देन आफ्टर द लाइट फॉल ऑन द लेंस, द आफ्टर रिफ्लेक्टेड लाइट द मोर रिफ्लेक्टेड। अब लाइट देखिए, कॉर्निया, कॉर्निया से कहा, कॉर्निया से रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ पहुंच गई, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुंच गई, प्यूपिल तक पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद में प्यूपिल के बाद में क्या होती है, प्यूपिल पे गिरी, प्यूपिल से गिरने के बाद में किसकी फॉलिंग कहाँ हो जाएगी, लेंस, लेंस पे जैसे होगी तो आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए ये लेंस है और लेंस के जस्ट पीछे क्या लगी रहती है, रेटिना लगी रहती है। तो लेंस से जो लाइट होगी, लाइट ऐसे सीधे सीधे आ रही है और लेंस से फिर ये क्या ऐसे टर्न हो जाएगी, यानी ये और ज्यादा क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। और रिफ्लेक्टेड जो लाइट की फॉलिंग कहाँ गिरेगी, रेटिना पर गिरेगी। तो लेंस, लेंस से कहाँ गई, वेट्रिकल्स ह्यूमर, वेट्रिकल्स ह्यूमर से फॉल ऑन द रेटिना, देन आफ्टर द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, दिस इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। रेटिना पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, और ये जो इमेज बनेगी ये कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बन जाएगी। अब रियल और इन्वर्टेड जो इमेज बनी है इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, यानी जो लाइट एनर्जी है, सेंसरी सेल्स यानी रॉड सेल्स और केमिकल सेल्स है, इसको केमिकल चेंजेस बना देती है, यानी केमिकल चेंजेस कर देती है। केमिकल चेंजेस स्टार्ट इन द सेंसरी सेल्स बाय द लाइट एनर्जी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज,
केमिकल चेंज स्टार्ट इन द सेंसरी सेल्स रोड सेल्स एंड द कोन सेल्स की जैसे इमेज बनी, इमेज बनते जो रेटिना की सेंसरी सेल्स होती है कौन कौन सी होती है, एक तो रोड सेल होती है एक कोन सेल होती है। तो रोड सेल और कोन सेल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है जो वो किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल चेंजेज स्टार्ट हो गए हैं। ये जो केमिकल चेंजेज स्टार्ट हुए हैं सेंसरी सेल्स में टू रिसीव बाय द ऑप्टिक नर्व, इनको कौन लेगा, ऑप्टिक नर्व ले लेगी। द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन रेटिना टू ब्रेन, द ब्रेन एनालाइसिस द इंफॉर्मेशन देन वी सी द इरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमें क्या दिखाई देते हैं, ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखाई देंगे, सीधे दिखाई देते हैं। और इमेज का हमें क्या हो जाता है, फील हो जाता है। तो ये आपकी का टॉपिक था, मैकेनिज्म ऑफ द आई का टॉपिक है। आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके आई में एंटर करती है थ्रू द कॉन्जुगेटिव कॉर्निया एक्वस ह्यूमर प्यूपिल, प्यूपिल कम या ज्यादा लाइट के गुड़े खुद को एडजस्ट कर लेती है। लेंस, लेंस से जो लाइट आएगी तो वापस से और ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी ये लाइट को किस पे गिराने का काम करेगा, रेटिना के ऊपर गिरा देगा। यानी लेंस से लाइट होते इसकी फॉलिंग कहाँ होगी, रेटिना, रेटिना। अब देखिए यहाँ ध्यान में रखिएगा, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी ऐसे, और जहां लाइट इकट्ठी हुई है वहां किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जिसकी वो इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व ले लेगी, ऑप्टिक नर्व ब्रेन को दे देगी और इमेज कैसी दिखाई देगी, इरेड दिखाई देती है। ये टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ द आई का। नेक्स्ट आप ये छोटा सा और टॉपिक दे रखा है, फॉक्सिंग। क्या है टॉपिक कि फॉक्सिंग किसको बोलते हैं, फॉक्सिंग। क्या नाम है टॉपिक का, फॉक्सिंग। तो फॉक्सिंग किसको बोलेंगे, देखिए जो रेटिना पर जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ना, यानी रेटिना पर क्या बनती है, इमेज बनी है। तो द रेटिना पर इमेज के फोकस किए जाने को क्या बोलते हैं, फॉक्सिंग बोलते हैं। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑन टू फॉर्म द फोकस इज नोन एज द फॉक्सिंग। फॉक्सिंग किस पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ लेंस या कर्वेचर ऑफ द लेंस पे डिपेंड करती है। कि मान लीजिए अगर कर्वेचर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट बना, आप सीधे सीधे ध्यान में रख लेना कि इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना या फोकस एडजस्ट द फोकस ऑन रेटिना फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ये जो रेटिना है, रेटिना पर इमेज बनाने के लिए जो फोकस किया जाता है, उसको जो एडजस्ट किया जाता है, पास में बनेगी दूर बनेगी, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फॉक्सिंग बोला जाता है। कि फोकस ऑन द रेटिना फॉर द इमेज फॉर्मेशन इज नोन एज द फॉक्सिंग। अब ये फोकस करने का काम है किसका, ये लेंस का होता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है फोकस, एक तो लेंस की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा और दूसरा उसके कर्वेचर पे डिपेंड करेगा। और कर्वेचर को सेट करने का काम किसका होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स का होता है, जो किससे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये लेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगे हुए, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, सीलियरी बॉडी से जुड़े हुए रहते हैं। अगर देखिए जो सीलियरी जो बॉडी होगी इसमें स्ट्रेचिंग होगा तो सेंसरी लिगामेंट स्ट्रेचिंग होगा। सेंसरी लिगामेंट में स्ट्रेचिंग होने से जो लेंस की कैसा हो जाएगा, ये थिन और फ्लैट हो जाएगा, इसका कर्वेचर चेंज हो गया। अब यहाँ ऐसी अगर फॉर्म बनती है लेंस की तो हमें कौन से ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, फॉरेस्ट के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। तो ये क्या हो गया, फॉक्सिंग तो हो गया कि जो लेंस होता है वो अपने आप को ऑब्जेक्ट के थ्रू कर्वेचर को चेंज कर लेता है उसको। तो हमें अब फॉरेस्ट अगर हमें देखनी है ऑब्जेक्ट, तो
फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट देखने के लिए सी द स्ट्रेचिंग द सेंसरी लिगामेंट्स देन द चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस लेंस बिकम फ्लैट एंड द थिन वी सी द फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर मान लीजिए कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस ऐसे रहा, अगर इस लेंस के अंदर जो सीलियरी लिगामेंट्स होते हैं, ये लिगामेंट्स कैसे हो गए, लूज हो गए, तो लूज होने से ये कैसा हो गया, ज्यादा थिक हो गया, लेंस कैसा बन जाता है, थिक। तो लेंस जब थिक बनेगा तो हमें कौन से ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, नियर के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, तो नियर क्या होगी, फॉक्सिंग हो जाती है, ये कौन सी हो गई, फॉरेस्ट फॉक्सिंग हो गई। तो यानी कि जो लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू या लाइट की रिफ्लेक्शन के थ्रू अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉक्सिंग बोलते हैं। सेंसरी लिगामेंट्स के अंदर अगर स्ट्रेचिंग हो रही है तो ये थिन हो जाएगा, तो हमें दूर की चीजें दिखाई देगी। सेंसरी लिगामेंट्स के अंदर अगर क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स होने से लेंस कैसा बन जाता है, थिक बन जाता है, और लेंस के थिक बनने से हमें कौन से ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, नियर के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेंस का एडजस्ट होना, द एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फॉक्सिंग, उसको क्या बोलेंगे, फॉक्सिंग बोला जाता है। अब देखिए जो ह्यूमंस जो होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, या फिर प्राइमेट जितने भी मैमल्स होते हैं, उन सब में आई कहाँ प्रेजेंट होती है, आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो इमेज है उन एक दूसरे से ओवरलैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर विजन, क्या होगा, बाइनोकुलर विजन। कि बाइनोकुलर विजन क्या होता है, तो बाइनोकुलर विजन के अंदर बताते हैं कि ऑल प्राइमेट्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन द बोथ आई लोकेटेड इन फ्रंट इन दिस अरेंजमेंट इमेज कैन ओवरलैप विच गिव फीलिंग ऑफ डिफरेंस इज नोन एज द ट्राइनोकुलर या बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर के अंदर कि अपने पता है कि अपनी जो आई होती है वो आगे की तरफ है, अब आगे की तरफ अपनी अगर आई प्रेजेंट होगी तो इमेज एक दूसरे से क्या करेगी, ओवरलैप कर जाएगी, तो उसके लिए हमें गहराई से देखना पड़ता है, तो वो प्रोसेस बाइनोकुलर या ट्राइनोकुलर कहलाती है। अब हमारी जो ध्यान में रखिएगा, जो अपनी जो नॉर्मल आई इन द फॉर्म ऑफ मेंटेन कॉन्स्टेंट कोऑर्डिनेशन वेयर एनी वन इज मूविंग प्लेइंग और सीइंग हेयर एंड देयर, हमें कहाँ देखना है, क्या करना है, ये सब अरेंजमेंट हमारी आई के अंदर अपने आप हो जाता है, जिसका रीजन क्या होता है, ये सेंसरी जो लिगामेंट्स होते हैं, सीलियरी जो बॉडी होती है, वो अपने आप ही ऑब्जेक्ट के थ्रू लेंस को एडजस्ट कर देती है और हमें ऑब्जेक्ट वो सीन हो जाता है। तो बाइनोकुलर की ध्यान रखिएगा कि आई कहाँ होती है, अपने फ्रंट डायरेक्शन में होती है, इमेज एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती है, तो वो क्या है, बाइनोकुलर प्रोसेस है। तो ये टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ आई और फॉक्सिंग। फॉक्सिंग ध्यान में रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बेस पर जो लेंस की कर्वेचर चेंज होती है, जिसे रेटिना पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, उसी को क्या बोलते हैं, फॉक्सिंग बोला जाता है। यानी चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस बेसिस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज नोन एज द फॉक्सिंग। ऑब्जेक्ट फॉरेस्ट है कि नियरेस्ट है, उसी को क्या बोलते हैं, फॉक्सिंग। ये टॉपिक था, आप इजिली से इसको लर्न कर लेना।